Bom bak bom bara 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 bom bak bom bara. Masti aur shararate kahi pe hai takraar, kahi pe sirf siyasate, kahi pe sachcha pyar. To sun mere yaar, tu dil ki pukar, sun mere yaar, tu dil ki pukar. Bubbly bubbly, वाह जॉनी वाह, क्या घाटे का सौदा किया तूने। हराम कमा के दोज़ख में तो तू जाएगा, दुनिया में भी बेइज्जती, पुलिस, जेल। इसकी कॉल आ गई। अरे ये तो वही है जिसने मुझसे ये हराम काम करवाया था। अब क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हेलो सर, अब आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? सर मैं काम नहीं करना चाहता आपके लिए। अरे 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 अरे, तुम तो बहुत ही घबरा गए हो जॉनी। मैं तो सोच रहा था प्रोमो का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्यों ना एक और स्क्रिप्ट तुमसे मंगवा लूं, तुम थोड़े पैसे और कमा लोगे। सर भाड़ में जाए पैसे, यहां तफ्तीश हो रही है, पुलिस आ सकती है, मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल में चला जाऊंगा। जेल जाने से क्या होगा जॉनी, 3-4 साल के लिए ही अंदर जाओगे ना, बीवी बच्चों के लिए माल तो कमा लोगे। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? जेल की चक्की और उसी चक्की के आटे से बनी रोटियां और दाल। नहीं सर, सर मुझे माफ कर दें। जब ओखली में सर दिया तो धमकियों से क्या डर। सर ये क्या है? अच्छा हुआ तुम पढ़े लिखे नहीं, वरना तुम जान जाते कि कितना बड़ा स्क्रिप्ट लाकर तुमने मुझे दिया है। धूप में बारिश, वाह वाह। खैर मेरी ऑफर वही है, जब चाहो और स्क्रिप्ट चोरी करके ले आना और माल बना लेना। ओखली सर क्या कह रहा था ये? एक काम करता हूं, इसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूं, जान छूटी। अभी तो दिलबर सेठी साहब के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और अगर दे भी दिया तो सीसीटीवी फुटेज में तो मेरी ही शक्ल आएगी ना। मर गए मर गए, आइंदा मेरे बड़ों की तौबा जो मैं करप्शन का सोचूं भी। लेकिन अब बचना कैसे ये सोचना पड़ेगा। क्या मैं ये समझ सकता हूं कि ये चोरी आपने की है? नहीं। लेकिन क्यों? मुझे कोई ऐसी दलील दें कि मैं ये बात समझूं कि आप ये चोरी नहीं की। क्योंकि मैं इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकती सर। अरे कर तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन ये वजह काफी नहीं है मुझे ये समझाने की कि ये चोरी आपने नहीं की। लेकिन आपसे कोई पूछ भी तो नहीं रहा ना, और मैंने आपसे कह दिया ना कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? क्या ये सच नहीं कि आप एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती हैं? क्या ये सच नहीं कि आप एक अमीर खानदान की बहू बनना चाहती हैं? बताइए मिस सनम, बताइए, जवाब दीजिए मुझे। सर आपकी नजर में कोई है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैरिज ब्यूरो नहीं है ये, प्लीज। सॉरी सर। अब आप जवाब दें मेरे सवाल का। सर क्या लड़के खूबसूरत लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते? उनको तो कोई लालची नहीं कहता। अगर कोई मासूम लड़की किसी अमीर इंसान से शादी करना चाहती है तो उसको सब लालची कहेंगे, ये खुला तजाद नहीं? बात तो ठीक है आपकी। मेरा सवाल भी सीधा है और जवाब भी सीधा सीधा दे रहा हूं। क्या ये चोरी तुमने की है मीरा? एक्सक्यूज मी सर, मैं तो मेकअप रूम से कम ही बाहर आता हूँ, और मुझे क्या पता
हानिया बिनते अशवाक की मेरे से किसने स्क्रिप्ट चोरी कर कर धड़कन टीवी पहुंचा दी है। अच्छा तो अगर तुम मेकअप रूम से बाहर कम आते हो तो इससे यह कैसे साबित हो गया कि तुम्हारी चोरी करने की परसेंटेज कम हो गई? सीधी तरह गल मंजा खोदती थी। मेरा मतलब है कि मुझे सही से जवाब दो। एक्सक्यूज मी सर, वाह भाई वाह। वैसे सर आपकी कसम, बल्कि आपकी फैमिली की कसम, मैंने स्क्रिप्ट नहीं चोरी किया। क्या यह सच है कि आपने अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए लोन दे रखा है? उस लोन की किस्त आपको हर महीने चुकानी पड़ती है, कहां से आता है वो पैसा? बोलिए मिस पारस। जाहिर सी बात है सर, अब बैंक मेरे खालू या मामू का तो है नहीं, अब बैंक का लोन लिया है तो किस्तें तो चुकानी पड़ेंगी ना। अच्छा, जिस तरह कि आपने कहा कि बैंक आपके मामू या खालू का नहीं है और आपको हर महीने की सदा करनी होती है, तो इससे मैं ये नतीजा खेज कर सकता हूं कि बैंक की किस्त चुकाने के लिए आपने मिसान या बिंदेश वाक के टेबल पे पड़ा हुआ स्क्रिप्ट जाकर मार्केट में बेच दिया। सर वैसे इस हिसाब से तो फिर हर महीने चोरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो हर महीने किस्तें देनी होती है ना। हाँ तो ये भी ठीक है। सर मैं और मेरे महबूब शौहर मिलकर मेहनत करते हैं, हम अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकते, वरना मुआशरे में चार बुरे शहरियों का इजाफा हो जाएगा। चार बच्चे हैं आपके? हाँ। आई मस्ट से काफी स्मार्ट मॉम है आप। सर आप ज्यादा स्मार्ट ना बने, क्योंकि मैं स्मार्ट होने के साथ काफी समझदार भी हूं, किसी की बातों में नहीं आती। इस ऑफिस की वायरिंग और तुम में सिर्फ एक बात कॉमन है, हर जगह पहुंचे होते हो तुम लोग, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मिस्टर जॉनी, मिस्टर जॉनी। जी जी सर। तो फिर जवाब दो। सर मेरी तरफ से जवाब ही है, मुझे क्या पता कि किसकी चोरी हुई है, क्या चोरी हुआ है, कहां चोरी हुआ है और चोरी होकर कहां गया है। सर मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप चोरी छुपे अकेले में सवालात कर क्यों रहे हैं। क्या 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 मतलब मिस्टर जॉनी, इतनी चोरियां एक साथ? इसका मतलब कि ये चोरी तुम ही ने की है, सीधी तरह मान जाओ तुम। सर ये एक मेहनती और ईमानदार आदमी की आवाज है, इसीलिए फट कर बाहर आई है। सर अगर मुझे मजीद ज़हनी अज़ियत दी गई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा सर, क्या आप मुझे चोर समझे? क्या जमाना आ गया, अब जो लोग दूसरों के दिल चुराते हैं उनकी टेबल से स्क्रिप्ट चोरी होगा, ये होगा अब? हाँ दिल चोर तो तुम हो। सर आपने ये बातें करने के लिए बुलाया मुझे? हाँ मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब हम प्यार मोहब्बत की बातें कर लेंगे और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। मैं तो खुद भी आपसे यही सारी बातें करना चाहती हूँ, वो भी सारी जिंदगी, लेकिन शादी के बाद। स्क्रिप्ट चोर ढूंढना था ना आपने, तो अपना रागल आपने शुरू कर दिया आपने। वही तो कर रहा हूं। तो क्या नतीजा निकला? सच बताऊं मिस हानिया, तो रिजल्ट सिफर निकला है, मुझे तो सारे बेगुनाह लग रहे। तो क्या मेरी मेज से चोरी जिन भूतों ने की है? सिर्फ वो ही नजर नहीं आते, वरना तो जरूर इस ऑफिस में से ही कोई है। अब आप क्या सोच रहे हैं सर? वैसे मैं आजकल एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का चैनल फॉलो कर रहा हूं, उस पे क्या होता है कि वीडियो में कभी कभार भूत भी नजर आते हैं। इंसान तो नजर आते ही रहते हैं, लेकिन उस वीडियो में कभी कभार भूत नजर आते हैं।
इस बात का मेरे केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है। अरे किसी भूत ने फजूल स्क्रिप्टों का करना क्या है? ये घटिया हरकत किसी गधे इंसान ने की होगी। तुम्हारे टेबल के बिल्कुल सामने मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अब उस कैमरे की फुटेज को हम एनालाइज करेंगे और वहां से तुम्हारा चोर पकड़ा जाएगा। तुम पर तो ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं किया? एक मैम को भी तो दिखाना है कि दिलबर सेठी काम भी करता है। और अब तुम्हारा चोर पकड़ा जाएगा, बेफिक्र रहो। तुम्हारे लिए तो करवा। चोर को ढूंढें। सर वो आप लोगों का लंच रेडी है प्लीज। नासिर शरीफ, जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। तमाशा हर रोज यहाँ मिलती है सबको डोज यहाँ, तमाशा हर रोज यहाँ मिलती है सबको डोज यहाँ, बातों का होता है यहाँ व्यापार। तेज है तू कली दो
रानिया क्या हुआ यार, तुम यहाँ आके क्यों बैठ गई हो? बहुत डर लग रहा है मुझे। लेकिन जब डर लगता है तो लोगों में बैठते हैं ना, अकेले नहीं बैठते। मुझे लोगों से ही डर लग रहा है, इसीलिए मैं अकेले में आके बैठ गई। लोगों से क्यों? यार देखो ना, ये दिलबर सेठी साहब की इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, और वो सीसीटीवी फुटेज, स्क्रिप्ट वाला चोर उसमें भी नहीं पकड़ा गया। ये बात तो है, लेकिन तुम टेंशन ले लो। कैसे टेंशन ना लूं? लगता है किसी दिलजले राइटर की गंदी बद्दुआ लग गई मुझे। वैसे तुमने भी बहुत बेचारे और बेचारियों की स्क्रिप्ट रद्दी में फेंकी है, यूं यूं। अब बद्दुआ तो किसी ना किसी की लगेगी ना। हाँ, एक बात सुन, ये तुम मुझे तसल्ली देने आई हो या मजीद डराने आई हो? नहीं यार, मैं तो तुम्हारी बात आगे बढ़ा रही थी बस। मैडम ने कहा है अगर स्क्रिप्ट चोर का पता नहीं चला ना, तो इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी नौकरी जाने वाली है। नहीं यार, ये तो बहुत टेंशन की बात है। अब तुम फिकर नहीं करो, दिलबर सेठी सर है ना, वो कोई ना कोई हल निकाल। उनसे तो मुझे किसी हल की उम्मीद नहीं है। अब क्या किसी और चीज का भी हल अब तक नहीं निकला है? हाँ, नहीं नहीं, मैं बस ऐसी जनरली बात कर रही हूँ कि बेकार आदमी, कोई हल की उम्मीद नहीं है। बस यार तुम परेशान मत हो, और जिस मनहूस ने हम सबको मुश्किल में डाला है ना, वो तुम देखना उसका कितना बुरा अंजाम होगा। इंशाल्लाह दस तो उसको देखना था, बल्कि नहीं देखना, छोड़ो, अच्छी चीज नहीं है। एमी खामखाई में तमाशा लगाया हुआ, हम में से किसी ने क्यों चोरी करनी है? चलो शक तो दूर हुआ ना। हेलो बेगम। हाँ बोलो। क्या डाकू आ गए? फिर अच्छा, और हार? ओके, क्या हुआ जॉनी? कुछ नहीं, वो घर में डाकू आ गए थे, सारी जमा पूंजी ले गए। अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ, और हाँ मैं दिलबर साहब को बताता हूँ। रिलैक्स। क्या फायदा हुआ जॉनी, जो हराम कमाया था वो भी गया, और साथ में सारी हलाल जमा पूंजी भी चली गई। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चोर का कुछ पता नहीं चल सका? मैम वो बहुत शातिर था, मैंने पिछले पूरे 6 महीने की फुटेज देखी, उसमें से सिर्फ एक दिन डिलीटेड। कौन सा दिन? बुध का दिन था। आई मीन वो वही दिन था जिस दिन शायद उस चोर ने चोरी की। उसने बड़ी चलाकी से उस दिन चोरी की, और उसके बाद उसी दिन की फुटेज डिलीट कर दी। और अब हानिया बिन्त अशफाक का क्या किया जाए? बबली बबली।